दे रहा होगा 305 रुपया एमआरपी लिखी हुई है और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना परसेंट कमीशन आप खा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए आईवी सेट है जिसके माध्यम से ग्लूकोज ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं आईवी सेट। इस पे जो एमआरपी लिखी हुई है वो 198 और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये आईवी सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिस्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की और इस पे एमआरपी 71 रुपया 50 पैसा, यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3 हजार की बिकती है। बाइकिल धागा जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है वह 150 रुपए का आता है, उसकी एमआरपी 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी वह 50 रुपए की आती है और उसकी एमआरपी यहां आप देखें एमआरपी 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपया तक है। अलग अलग वैरायटी है 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5000 से 20000 रुपया 25000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो उसको देखिए, डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1500 रुपए की चीज खरीद कर आप 20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा उसकी एमआरपी 2000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं आपके साथ, आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है, मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया, जिसे हमने चुनकर भेजा, क्या वो दलाली खा रहा है, कमीशन खा रहा है? 8 रुपए की चीज 305 रुपए का प्रिंट वो छपने क्यों दे रहा है? ये चोरी से थोड़ो ना बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइए। और ये मुद्दा किसी सपा भाजपा कांग्रेस किसी नेता का थोड़ा ना है, ये भारत के 140 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको आगे आना होगा और आगे आने के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा। इसलिए नहीं कि मेरा ये प्रचार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुहिम को जब ये वीडियो शेयर होंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारें हिल जाती हैं। आज मैं इस चीज को लेकर आया हूं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप मेरी इस बात को, जनता की आवाज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गजट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी। और मैं तो कहता हूं सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि आइए मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि बात 305 रुपए की नहीं है, बात उस गरीब की है, उस रिक्शा चालक की है जो दिन भर में 450 से 500 तक की मजदूरी पाता है। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया, उसके घर वाले किसी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो 305 रुपया वो अस्पताल केवल बीगो का चार्ज कर लेगा, फिक्स्टर का 71 रुपया चार्ज कर लेगा और आईवी सेट का चार्ज कर लेगा। ये सब मिला के 600-700 रुपया हो गया, यानी उसकी 1.5 दिन की दिहाड़ी में अभी तो ग्लूकोज लगा ही नहीं, दवा कोई उसने खाया ही नहीं, बेड का चार्ज हमने बताया नहीं, अस्पताल का चार्ज हमने बताया नहीं, 1.5 दिन की दिहाड़ी उसकी केवल इस 3 आइटम से चली गई। आगे की दवा कहां से आएगी? तब उसका बाप खेत बेचेगा, उसकी बीबी गहना बेचेगी। इस तरह का लूट खसोट। और मैं तो कहता हूं शर्म करो ऐसा करने वाले लोगों, 8 रुपए की चीज 305 की बेचते हो। आज आपके अस्पताल में अगर जो दाई है उसका वेतन 7000 है, यानी प्रत्येक दिन 210 रुपया, अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो आप ही के अस्पताल में भर्ती होती है, तो उसकी 3 दिन की दिहाड़ी केवल इन 3 चीजों की लग जाती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, लेकिन आपने इसे लूट का अड्डा बना दिया है।
सरकारों के मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि